हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज जो वीडियो में आप देखेंगे वो है हिंदी मीडियम के क्लास 12 फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके पहले कि आप और फंडामेंटल वीडियो देख चुके होंगे आप। आज हम इसके फोर्थ पार्ट को लेके आए हैं और इसमें आप पढ़ेंगे बेसिकली गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, दोनों में इसके क्वेश्चन कवर होते हैं। खासकर बोर्ड एग्जाम में तो 100% इस पर क्वेश्चन आने का चांस रहता है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम गॉस का थ्योरम और सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग। इस तरह से दो पार्ट में आज हम अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं गॉस के प्रमेय को। क्लियर? तो गॉस प्रमेय को पढ़ने के पहले अपने को पढ़ना पड़ता है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आगे गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए आपको यह सब पता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। पिछले के आपने टॉपिक, पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी धन आवेश से निकलने वाली निष्कोण काल्पनिक वक्र, जो धन से निकलती है ऋण में जाके समाप्त हो जाती हैं, वो विद्युत बल रेखाएं होती हैं। यहाँ पर हम देखें कि सपोज हमारे पास ये कोई धन आवेशित चार्ज बॉडी है, आवेशित पिंड है, तो इससे क्या होंगी, बहुत सी बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। इस तरह से ये बहुत सी बल रेखाएं से बाहर निकलेंगी और जितनी विद्युत बल रेखाएं से बाहर निकलेंगी उनमें वे बल रेखाएं जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लंबवत है, सपोज ये 90 डिग्री है, मतलब इन बल रेखाओं में कुछ बल रेखाएं ऐसी हैं जो अपने सतह पर, अपने सरफेस पर लंबवत हैं और कुछ बल रेखाएं ऐसी हैं जो अपने सतह पर लंबवत नहीं हैं। तो यहाँ पर जो लंबवत बल रेखाएं होती हैं, लंबवत बल रेखाओं की संख्या ये लंबवत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स और इसको प्रदर्शित करते हैं फाई और नीचे में छोटा सा ई लिखते हैं फाई ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या, वास्तव में बल रेखाएं क्या है, संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, फाई से। और इस तरह से हम देखें तो फ्लक्स के प्रकार, तो फ्लक्स के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक कहलाता है, इसके यदि हम प्रकार पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टू टाइप होते हैं। पहला कहलाता है धनात्मक फ्लक्स, पहला है धनात्मक फ्लक्स और दूसरा ऋणात्मक फ्लक्स। इस तरह से विद्युत बल रेखाएं, सॉरी, फ्लक्सों के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। तो हम धनात्मक फ्लक्स किसे कहेंगे, देखिए अभी मैंने बताया कि मान लो ये कोई धन आवेशित कण है तो धन आवेश से क्या होता है, बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और यदि ये कोई ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। इस प्रकार से हम देखें तो किसी आवेशित पिंड से लंबवत, किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाले बल रेखाओं को धनात्मक फ्लक्स और किसी आवेशित पिंड में लंबवत अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? तो ये कहलाता है विद्युत फ्लक्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स की हम गणना कैसे करते हैं, विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने का अपने पास फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा फार्मूला इसका देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप यहाँ पर इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि जैसे यहाँ पर मेरा एक बोर्ड, एक सरफेस है, एक बड़ा सा सतह है और इस सतह पर हम एक छोटा सा सतह, स्मॉल सरफेस यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि माना कि ये एक सरफेस है ds। ds का मतलब होता है डिफरेंशिएट पार्ट, छोटे रूप को। यदि पूरा मेरा बोर्ड s है तो इसका एक जो छोटा सा पार्ट है
उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डीएस से। तो डीएस यहाँ पर क्या है, एक छोटा सरफेस है और इस पर हमने यहाँ पर एक लंब खींचा हुआ है। मान लो एक लंब है जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं एन से, एन फॉर नॉर्मल होता है। तो ये क्या है, पृष्ठ पर खींचा गया लंब है और ये है विद्युत बल रेखा की दिशा। ये मैं है विद्युत बल रेखा की दिशा है और पृष्ठ पर खींचे गए लंब और विद्युत बल रेखा के बीच में जो बना कोण है वो मान लो थीटा है। क्लियर, इस सिचुएशन को मैं इस तरह से आपको बताऊं तो आप यहाँ पर ध्यान देखें। देखिए मैं पेन के हेल्प से आपको समझा रहा हूँ, ये जो लंब है वो पृष्ठ पर ऐसा है, एक्चुअल में ये सरफेस है तो ये बाहर की ओर है, मतलब ये ब्लू कलर का जो पेन है वो देखिए पृष्ठ पर खींचा गया लंब है। और यहाँ पर मैं जो रेड कलर का पेन यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये रेड कलर का मैंने पेन एडजस्ट किया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और इस लंब और तीव्रता के बीच में जो कोण बनता है वही क्या है, थीटा है। यहाँ पर आपको थीटा को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जब आप इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे और तब थीटा डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रयोग समझने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला फाइ इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। ये फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला है, फाइ इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस विद्युत क्षेत्र की जितनी तीव्रता है यह ई है। डी एस क्या है, डी एस इस स्मॉल सरफेस का, इस छोटे सरफेस का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और यहाँ पर ये थीटा क्या है, यहाँ पर खींचे गए लंब और तीव्रता के बीच में बना कोण है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्रॉस क्वेश्चन आता है। जब हमारा ऑफलाइन क्लास होता है, नेचुरली ऑनलाइन क्लास में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत नहीं पूछ सकते, लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है कि आपको मेरे टीचिंग में कहीं भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। आप मेरे चैनल पर, मैं आपको उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके जवाब दे दूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मेरे को मालूम है कि स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, मैं यहाँ पर खुद से क्लियर करता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर यहाँ पर कॉस थीटा कंपोनेंट ही हमने क्यों लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया। भाई स्वाभाविक रूप से हम यहाँ पर साइन थीटा भी ले सकते थे या कोई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले सकते थे, सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये लंब है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। और यहाँ पर हम इसका यदि सदिश वियोजन करें, सदिश वियोजन करें मतलब इसको हम क्या करें, इसके कंपोनेंट्स फाइंड करें, तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट इस तरह से होगा ई का, क्लियर। और एक कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लंब की दिशा में होगा। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा ई का और एक कंपोनेंट ये होगा। अभी मैंने आपको फिगर में बताया था कि ये कंपोनेंट क्या है, पृष्ठ पर लंबवत है। आप बोर्ड में ऐसा देख रहे हैं लेकिन वो पृष्ठ से बाहर है। अब आपको पता है, आपने 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिकल में पढ़ा है कि इसका जो डायरेक्शन है, इसके कंपोनेंट्स निकालें तो थीटा के पास वाला जो साइड होता है, थीटा से लगा होता है, वो कॉस थीटा होता है। मतलब ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा क्या, ई साइन थीटा हो जाएगा, इस तरह से। और अभी हमने फ्लक्सों की संख्या पर डेफिनेशन में क्या बताया, पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि ई का जो ई कॉस थीटा घटक है वो क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। और ये क्या है, पृष्ठ के क्षैतिज है, क्योंकि हमारा पृष्ठ है तो पृष्ठ के समानांतर है। और फ्लक्स किसको कहते हैं अपन, लंबवत बल रेखाओं को फ्लक्स कहते हैं। तो लंबवत बल रेखा का घटक कौन होगा, ई कॉस थीटा। इसलिए यहाँ पर ई के कॉस थीटा कंपोनेंट को लिया गया है, क्लियर। साइन कंपोनेंट लेंगे तो फ्लक्स नहीं काउंट होगा। तो ये एक बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है कि बहुत ध्यान से समझेंगे आप कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर कॉस थीटा ही क्यों लिया गया, क्लियर। तो ये कॉस थीटा लेने का कारण है। अब यहाँ पर देखिए, इससे आप फ्लक्स निकालेंगे। इसके बाद हमको एक और कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए, वो है घन कोण। घन कोण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड एंगल, घन कोण सॉलिड एंगल। तो घन कोण क्या होता है, देखिए जैसे आपने देखा होगा कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो इसके बीच में एक कोण बना है, ये सामान्य कोण है। लेकिन घन कोण क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको इसको समझाने से पहले मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपने कभी
आप तरबूज खरीदने के लिए बाजार में गए होंगे, तरबूज खरीदने के लिए वाटरमेलन, तो आपने देखा होगा कि तरबूज खरीदते समय हम उससे पूछते हैं तरबूज वाले, भाई तरबूज अच्छा है, ठीक है, तो क्या करता है वो एक छोटा सा स्मॉल पीस कटिंग करके बाहर निकालता है। वो कुछ इस तरह का होता है, देखिए सपोज ये हमारा तरबूज है और वो हमको एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से ये निकाल के बताता है। इसको मैं मैग्नीफाइंग कर दूं, बड़ा कर दूं, तो सपोज वो ये बड़ा दिखाने के लिए मैं आपको इसको बना रहा हूं, ये इस तरह से बताता है, ये स्मॉल सरफेस जिसमें तीसरी लाइन थ्री डायमेंशन फिगर है, इस तरह का सिचुएशन होता है, क्लियर। तो यहां पर सेंटर में, इसके सेंटर में यहां जो कोण बनता है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से, और यही कहलाता है क्या, घन कोण। यदि हम इसको स्मॉल सरफेस के लिए लें तो डी ओमेगा कहते हैं, और इसको यदि हम पूरे सरफेस के लिए ले लें तो इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सपोज यहाँ से ये रेडियस इसका हमने आर ले लिया और यहाँ पर हमने एक लंब खींच दिया और दोनों के बीच में भी हमने क्या लिया, एक कोण ले लिया जो वहाँ लिया था थीटा। तो यहाँ पर घन कोण निकालने का फार्मूला होता है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सब 11th क्लास के बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में है। वैसे आप लोग को मेरा एक सजेशन है कि कभी भी फिजिक्स समझने के दौरान, खासकर जो बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिजिक्स में कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आता है, तो मैंने 5 वीडियोस बनाया हुआ है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, जो सिर्फ इस पर्पज से बनाया है कि फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स की क्या जरूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है समझने के लिए, इसके लिए मैंने 5 वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, वहां से आप पढ़ सकते हैं, यहां से आपको हेल्प मिलेगा, सब मैंने वहां पढ़ाए हुए हैं। तो डी ओमेगा निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह एक फार्मूला है कि हम घन कोण कैसे निकालेंगे। तो घन कोण निकालने का फार्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और सपोज हम यहाँ पर, ये तो हो गया किसके लिए, एक स्मॉल सरफेस के लिए, लेकिन सपोज हम इसको पूरे सरफेस के लिए निकालना चाहें, इस पूरे सरफेस के लिए निकालना चाहें, तो पूरे सरफेस के घन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं किसे, ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। समाकलन का मतलब होता है सबका जोड़, तो ये जो छोटे 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 घन कोण हैं ये सब जुड़ जाएंगे तो पूरा घन कोण निकल जाएगा। इस प्रकार से ओमेगा इक्वल टू समाकलन डी ओमेगा हो जाएगा। और आप ध्यान रखना इसको, इसका वैल्यू मैं पुट कर दूं तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू होता है 4π स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन लिख देते हैं, स्टेरेडियन क्या होता है, घन कोण का यूनिट होता है, कोण का यूनिट रेडियन होता है और घन कोण का यूनिट स्टेरेडियन होता है। इस तरह से आप ध्यान रखना कि किसी संपूर्ण पिंड के लिए, पिंड के संपूर्ण जो घन कोण होता है उसका मान कितना होता है, 4π। ये कॉन्सेप्ट, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और घन कोण के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही फिर हम गॉस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आ रहा है, इसके साथ आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और ऐसे भी ये न्यूमेरिकल्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गॉस थ्योरम आपको बहुत अच्छा समझना है। गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम, क्लियर। अब गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फ्लक्सों की संख्या के लिए एक थ्योरम दिया। तो सबसे पहले आप इसका लिखिए कथन। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये मैं साथ में आपको नोट्स बनाना आपको सिखा रहा हूँ। देखिए आप कभी भी किसी साइंटिस्ट का यदि आपको रूल पूछता है एग्जाम में, तो सबसे पहले स्टेटमेंट कथन लिखिए और उसको इन्वर्टेड कॉमा में पूरा वर्ड वर्ड लिखिए, जैसे बुक में दिया है बुक इस लैंग्वेज में, क्योंकि आप कभी भी किसी साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को अपने कॉमन लैंग्वेज में, एक्सप्लेनेशन के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ऐसा लिखेंगे तो आपको अच्छी मार्किंग नहीं होगी, इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि कभी भी किसी साइंटिस्ट का रूल पूछता है आपको, क्लियर, तो उसको आपको वर्ड टू वर्ड शब्दशः लिखना है। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे, लिखने से पहले हम उसको समझते हैं कि एक्चुअल में गॉस का प्रमेय है क्या।
तो दास ने क्या बताया कि सपोज अपने पास है कोई बंद सतह है। एक बात आप ध्यान में रखना कि गास का जो प्रमेय है वो केवल बंद सतह के लिए लागू होता है, बंद सतह के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। तो सपोज हमारे पास है कि बंद सतह है और इसका मान लो क्षेत्रफल कितना है, एस है, और इस बंद सतह से जो टोटल फ्लक्स निकलेंगे जिसको मैंने कह दिया फाई ई, वो इस पर जितना आवेश होगा, मान लो इसको प्लस क्यू आवेश है, इस सरफेस पर इस बंद सतह पर क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो वो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गास के प्रमेय के कथन का गणितीय रूप। दैट इज करके इसको लिखेंगे, इसको कथन को लिखने के बाद। तो अब यहां पर देखिए हम इस कथन को शब्दों में क्या कहेंगे। ये जो मैथमेटिकल लिखा हुआ है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी आप कोई चीज रटो मत। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और हर चीज इसमें समझने का है। यदि आपको कोई डेफिनेशन लर्न करना है या भी किसी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट लर्न करना है, तो कभी भी उसको आप वर्ड टू वर्ड शब्द सब मत रटिए, उसके सेंस को आप अपने दिमाग में बिठाइए, उसको विजुलाइज करिए, उसके इमेजिन करिए कि किस तरह का सिचुएशन। इसलिए मैं पहले फिगर बनाता हूँ और बाद में कथन पर बात करता हूँ। यदि मैं चाहता तो मेरे पढ़ाने का वे कैसा हो सकता था कि मैं इसके स्टेटमेंट को आपको बार बार बता देता और फिगर बाद में बताता, तो ये सही तरीका नहीं। आप फिगर विजुअल आप अपने दिमाग में पहले उसको रखिए। जब ये हो जाएगा तो कथन आपको अपने आप तैयार हो जाएगा। तो क्या कहेंगे अपन, देखो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, देखो यहाँ पर मैं फिगर को थोड़ा और बना दूँ इस तरह से। तो ये प्लस क्यू चार्ज है जो कि बिंदु ओ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये घन कोण है, ये हमारा एक स्मॉल सरफेस है जिसको हम डीएस कहते हैं, ये डीएस है इस तरह से। अब यहाँ से देखो ये इसका रेडियस है, यहाँ पर लंब खींचा गया है, दोनों को बेस का कोण क्या है, थीटा है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ये नॉर्मल है। तो ये जो फ्लक्स निकल रहे हैं, देखो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं जो कि क्या है, फ्लक्स है जो अपने पृष्ठ पर लंबवत है, बाहर निकल रहे हैं। तो गास का कहना था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन गुना होता है, 1/ एप्सिलॉन गुना होता है। एक बार और आप ध्यान से सुनिए, यहीं से आपको शब्दों में कहना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ आप रटिए मत, यहीं से उसको शब्दों में बनाइए। फाई ई क्या है, इस पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, और क्यू क्या है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता, आपको पहले से पता है ये। तो इसको शब्दों में क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से या बंद सतह से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हो गया कथन, ये इसका चित्र हो गया। चित्र के नीचे आप इसको माना कि लिख के अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे, माना कि एस एक बंद पृष्ठ है जिसमें बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसकी त्रिज्या आर है, बिंदुओं पर बना घन कोण डी ओमेगा है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, लंब पी एन है। ये मतलब आपको फिगर को एक्सप्लेन करना है, ये आपको लिखना जरूरी है, जिसको मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, उसको रटिए मत। ना मेरा लैंग्वेज कॉपी करिए, ना बुक का लैंग्वेज कॉपी करिए, इसको आप फिगर को देख के आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में लिखिए। नेक्स्ट इसकी गणना या इसका प्रूफ या प्रमाण, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ये तो इसका कथन हुआ, क्योंकि एग्जाम हमारा कैसा आएगा, क्वेश्चन गास का प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या काउंट करते हैं, क्लियर। तो फ्लक्सों की संख्या कहां से, बिंदु पी से, बिंदु पी से निकलने वाली, बिंदु पी से डीएस पृष्ठ लिखना चाहिए अपने को यहां पर, क्योंकि हम छोटे पृष्ठ की बात कर रहे हैं। बिंदु पी से डीएस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, ये हम निकालते हैं सबसे पहले कि वहां से कितने फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं। तो फ्लक्सों की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पर डीएस पृष्ठ लिया है, अभी हम पूरे पृष्ठ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे पृष्ठ पर बात कर रहे हैं, तो उसको हम फ्लक्सों की संख्या को कह दिया डी
फाइव ई। एक चीज आप ध्यान रखना, कहीं भी डी लगने का मतलब होता है उसका डिफरेंशिएट पार्ट, छोटा पार्ट। तो डी फाइव ई इक्वल टू फार्मूला है ई डी एस कॉस थीटा, क्लियर दैट इक्वल। अब देखो, अब हमको मालूम है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि हमारा ये चौथा पार्ट है, इसके पहले आपको थ्री पार्ट प्रिपेयर करेंगे। देखिए, कभी भी आपको मेरा एक सजेशन है कि कभी भी आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसको, किसी भी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है तो एक प्रॉपर ऑर्डर में करिए। जैसे आपको पढ़ना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो सबसे पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ऐसा आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़िए। सपोज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इसके पहले के पार्ट कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए, तब आपको आगे समझ में आएगा। तो एक एक वॉल्यूम को आपको प्रॉपर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हमको फार्मूला पता होता है, क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट q/r2। ये इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो E के वैल्यू को हमने वहां पर पुट कर दिया और इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दैट इक्वल, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको डी ओमेगा का फार्मूला बताया, तो ये किसका फार्मूला है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा का फार्मूला है, इसमें पहले इसीलिए पढ़ाया मैंने उसको। तो क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा, ये हो जाएगा डी फाई का वैल्यू, जो कि क्या है, पृष्ठ डी एस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। लेकिन हमको गास के प्रमेय में क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो यहां पर हम निकालेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या मतलब हम क्या करेंगे, उसका समाकलन करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए उसको हमने संकेत कर दिया क्या, फाइ ई, तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइ ई। अभी मैंने बताया कि समाकलन मतलब होता है सबका योग, आप प्रोसेस को समझते जाइए। सबसे पहले हमने डी एस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ये निकाल लिया डी फाइ, फिर संपूर्ण पृष्ठ से निकाल फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दैट इक्वल, अब इसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा, इसका समाकलन दैट इक्वल। अब आपको देखिए, इसको छोड़ के सब क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा दैट इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट q और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया कितना होता है, 4π संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण, अभी जस्ट आपने पढ़ा है उसको, ये 4π होगा दैट इक्वल, ये 4π 4π के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइ इक्वल टू, यहाँ से बचेगा q और अपान में एप्सिलॉन नॉट, और ये प्रूफ हो जाएगा हमारा गास थ्योरम, क्लियर। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम गास थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गास का थ्योरम और इसका एप्लीकेशन। इसके बाद इसमें इसे एक छोटा सा कंडीशन है गास थ्योरम का, जो कई बार खासकर CBSE के एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन यदि घुमा के पूछता है, तो सीधा सीधा गास थ्योरम ना पूछ के उसके कंडीशन को पूछता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये पूरे गास थ्योरम को आप तैयार कर लेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, क्लियर। तो मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, यदि आपको इसका प्रूफ देखना है आप साइड बाय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, देखिए गास का थ्योरम ही है लेकिन इसका एक छोटा सा कंडीशन है, कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है वो गास थ्योरम ही लेकिन कंडीशनल है। देखिए कंडीशन क्या है कि सपोज अभी हमने एक बंद पृष्ठ लिया था, ये बंद पृष्ठ ले लिया, और सपोज जो आवेश है ये बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश, वो क्या है, इस पृष्ठ से बाहर है। तो यहां पर गास प्रमेय का कहना है कि अभी हमने आवेश को पृष्ठ के अंदर लिया था, अब हम आवेश को पृष्ठ से बाहर ले रहे हैं। तो यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर हो
तो वहां से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या जो होती है वो जीरो होती है। ये मतलब इस कंडीशन में जो टोटल फ्लक्स है क्या होगा, वो जीरो होगा। ये हमको प्रूफ करना है। क्या हो गया स्टेटमेंट, मैं रिपीट करता हूं, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो उस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या शून्य होती है। तो यहां से देखिए ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब यहां पर हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, इस बंद पृष्ठ को हमने ले लिया सपोज S1, और यहां पर एक बंद पृष्ठ बनता है छोटा सा, इसको हमने ले लिया सपोज S2। अब यहां पर आप देखिए ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं S1 पृष्ठ में क्या कर रही, प्रवेश कर रही है, अंदर की ओर जा रही है, और यहां पर देखिए ये जो बल रेखाएं हैं ये S2 पृष्ठ से क्या हो रही है, बाहर निकल रही हैं। तो एक पृष्ठ में बंद रेखाएं बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं और एक पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब इसकी आप गणना करोगे, तो आपको 50% कैलकुलेशन अभी मैं जो बताया वहां से कॉपी करना है। मतलब कहां तक करना है, जो हमने निकाला था d φe इक्वल टू निकाला था ds, ठीक है, ये 1/4πε0q(dω), मतलब समाकलन करने के पहले तक का स्टेप अभी जो मैं इरेज किया वहां तक आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको अगेन कॉपी करेंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा स्मॉल सरफेस ds से निकाल फ्लक्सों की संख्या। अब हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, सबसे पहले S1 पृष्ठ के लिए। तो S1 पृष्ठ में क्या हो रहा है, प्रवेश करने वाले फ्लक्सों की संख्या, करने वाले फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, हाँ, S1 पृष्ठ में प्रवेश करने वाले फ्लक्स को हमने कह दिया सपोज d φe1। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पृष्ठ पर अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्स क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो -1/4πε0q(dω). अब हम निकाल लेंगे S2 पृष्ठ से बाहर निकलने वाले, मतलब उसमें बस आपको दो लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, S2 पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्स। तो बाहर निकलने वाले फ्लक्स हम क्या कहेंगे, d φe2 इक्वल टू 1/4πε0q(dω). देखिए ये क्या है, प्रवेश करने वाले फ्लक्स है तो माइनस लिया मैंने, और ये क्या है, बाहर निकालने वाले फ्लक्स है तो क्या लेंगे इसको अपन, प्लस लेंगे। अभी हमने ऋणात्मक फ्लक्स धनात्मक फ्लक्स पढ़ा है, अब हम निकालें यदि कुल फ्लक्स, इसलिए कुल फ्लक्सों की संख्या तो क्या हो जाएगा, φe इक्वल टू d φe1 प्लस d φe2 दैट इक्वल, इसका वैल्यू कितना है, -1/4πε0q(dω) और प्लस ये हो जाएगा 1/4πε0q(dω). अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस से प्लस है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या होगा, जीरो होगा। इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो, क्लियर, यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो कुल फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। फ्लक्स फ्लक्स बोलते हैं ना, फ्लक्स एफ एल यू एक्स फ्लक्स, हिंदी में फ्लक्सों की संख्या। तो यहां पर प्रूफ हो गया कि पृष्ठ से बाहर हो तो जीरो। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने पढ़ा फ्लक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, विद्युत फ्लक्स, घन कोण, गास का प्रमेय का कंडीशन। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो आपको टॉपिक इसमें इंक्लूड होता है वह गास प्रमेय का अनुप्रयोग है, कि इसके क्या उपयोग हैं, इस प्रमेय का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्लियर। तो आप इसको ध्यान से रिविज़न करिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब करिए, ताकि कंटिन्यूअस आपको मेरा वीडियो प्रोवाइड होता रहे। ओके, थैंक यू।